नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इन दिनों अजीब नजारे देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष के नेता गैस सिलेंडर और प्याज के साथ पहुंच रहे हैं, तो कभी ट्रैक्टर और साइकिल लेकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। वहीं मंगलवार को आरजेडी विधायक विधानसभा में आला और बीपी मशीन लेकर पहुंचे। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन मंगलवार को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आला और बीपी मशीन लेकर विधानसभा पहुंचे। पत्रकारों ने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन से सवाल किया कि ये तो विधानसभा है न कि अस्पताल, फिर आप यहां बीपी मशीन और आला लेकर क्यों आए हैं। इस पर आरजेडी विधायक ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का ब्लड प्रेशर नापने के लिए मैं ये मशीन लेकर आया हूँ। आपको बता दें कि बीते सोमवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान नीतीश कुमार आरजेडी एमएलसी सुबोध कुमार पर गुस्सा हो गए थे। विधान परिषद के अंदर प्रश्न का जवाब ग्रामीण कार्य मंत्री दे रहे थे। उस वक्त आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय के खड़े होने पर सीएम नीतीश कुमार गुस्सा हो गए और उन्हें बैठने को कहा। साथ ही नीतीश कुमार ने सदस्यों के नियम कानून जानने की बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जब खड़ा हूं तो आप बैठो। दरअसल विधान परिषद के सदस्य मोहम्मद फारूक ने सड़क की खराब हालत पर सवाल किया था, जिसका जवाब ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज दे रहे थे। जवाब सुनने के बाद मोहम्मद फारूक एक और सवाल करने के लिए खड़े हुए, तभी आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय भी अपना सवाल करने के लिए खड़े हो गए। इस पर सीएम नीतीश कुमार गर्मा गए और उन्होंने सुबोध रॉय को बैठने के लिए कह दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।